चलो है, ये इनका आगे का टाइमिंग भी है, ठीक है, पूरा हाउसिंग जो यहाँ से इसका टाइमिंग वापस आए, यहाँ पे एयर का कंप्रेसर है, यहाँ पे डीजल पंप है और सीट भी लगता है इंजन सीट, टाइमिंग इधर आता है उसका सील आता है, तो पूरा आगे का टाइमिंग गियर केस है, हाउसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। कूलिंग नोजल है, ये पिस्टन पे ऑयल देने का काम करता है, यहाँ पे लगता है, ये इधर लगता है, यहाँ से पिस्टन पे ये कूलिंग नोजल का काम करता है, ठीक है। ये हो गया, ये प्लेट है, ये सम्प से पहले ये प्लेट लगता है, सेफ्टी का प्लेट है, फ्लाई व्हील गियर के साथ जो जुड़ता है, ये फ्लाई व्हील है, इसके अंदर ये पायलट बेयरिंग, ये कैमशाफ्ट इसका काम है, वाल्व को कंट्रोल करने का, मेन शाफ्ट है, ये ऑयल सम्प है, इसमें ऑयल स्टोर करके रखने का काम करता है, ये हाउसिंग है, रियर हाउसिंग, इसमें ऑयल सील यहाँ पे पीछे बैठता है, फ्लाई व्हील का रियर हाउसिंग है, सिलेंडर हेड है, इसमें ये वाल लगता है, इंटेक और एग्जॉस्ट वाल लगता है, ठीक है, ऐसा है, तो सील लगता है, यहाँ पे सील लगता है इसका, और इसका ये स्प्रिंग वाल के साथ में लगता है, और ये हो गया वाल लिफ्टर, जो केम साफ के साथ में ऐसे लगता है, पुसराड है इसे, तो ये पुसराड है किसी के पास से, ठीक है, हो गया। ये चिड़िया है रॉपर आर्म, अंग्रेजी में इसको रॉपर आर्म बोलते हैं, ऐसे चिड़िया है, ठीक है, ये अल्टरनेटर है डायनेमो, ये आइडलर है, ये बेल्ट का, ये सेल्फ स्टार्टर मोटर है, और ये होल्डर है नोजल का, ये इंजेक्टर जो है ना नोजल, इसका ये होल्डर है यहाँ पे, ये इसका पंप है, ये डैम्पर पुली है, ये रिटर्न का है, डीजल लाइन का रिटर्न का है, ये नोजल के साथ में लगता है, ठीक है, इस तरह, और ये सब लाइन है उसका, डीजल का लाइन, ये आयल स्ट्रेनर है, ठीक है, इसमें आयल इसमें से होकर गुजरता है, ऑयल पंप में जाता है यहाँ से, ये आयल पंप है इसका, ठीक है, ये गज्जन पिन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये पिस्टन है, ये इसका वाटर पंप है, ये पानी सक्शन का काम करता है, रेडिएटर में भेजता है यहाँ से लेके, और ये हैंड प्राइमर है, फीड पंप भी बोलते हैं इसको, ये डीजल कभी कभी एयर लॉक होता है तो इससे निकालने का काम होता है, डीजल चलाते हैं इससे, और ये लोअर हाउसिंग है रेडिएटर का, फैन का पुली है, और ये थर्मोस्टाट का हाउसिंग है, ये आगे का ऑयल सील का होता है, ये ऑयल कूलर है, इसमें ऑयल नॉर्मल टेम्परेचर में रखता है, ये टेन जोनर, ये बेल्ट का एडजस्टमेंट इसको ऑटोमेटिक कर रखता है, ठीक है, ये हवा के कंप्रेसर, इससे हवा का ब्रेक और क्लच के लिए काम आता है, ये इंजन का माउंटिंग है पीछे का, मोर्चे का इसमें का कुछ रहता है, हो गया। ये इसका रिलीज बेयरिंग है,
और ये इसका क्लच डिस्क है, और ये है इसका प्रेशर प्लेट। टाटा का बस है, कमिंस का इंजन है।